है सरदार पटेल भवन में, जहाँ पर बिहार पुलिस की बहाली के लिए फॉर्म भरा जाता है और यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी 2004 वाले आए हुए हैं, विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। इन लोगों का मामला हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, उसके बाद जजमेंट आया, फिर ये लोग फॉर्म लेके यहाँ आए हुए हैं। इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। जानने का प्रयास करते हैं कि मामला क्या है 2004 से लेकर अब तक, बताएं सर क्या मामला है। बात ये है कि 2004 का जो वैकेंसी था उसमें सभी अभ्यर्थियों का हाईकोर्ट ने ई मीना कुमारी का जजमेंट आया 11/6/2028 को, इसमें कहा गया कि ऑल पेटिशनर को नियुक्ति करा दिया जाएगा, जो भी इसमें सफल अभ्यर्थी हैं उन सभी को नियुक्ति कराया जाएगा। उसके बाद फिर इन्होंने जो है नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री मुख्य सचिव जी के द्वारा फिर यह किया गया हाईकोर्ट को कि नहीं हमने जो बैकलॉग को दे दिया सभी से, मेरे पास सीट नहीं है ना, 2009 में न्यू वैकेंसी निकालते हैं पूरा, फिर उनकी नियुक्ति हो जाती है और हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहता है। इसके बाद पुनः नवीन कुमार सिन्हा जज साहब ने आदेश दिया कि वरीयता सूची के आधार पर लोगों को नियुक्ति कराया गया, फिर उस चीज़ को रद्द कर दिया गया। फिर इकबाल मोहम्मद अंसारी जी आए, इकबाल मोहम्मद अंसारी जी ने 22/10/2014 को उन्होंने मौखिक तौर पर बोला हाईकोर्ट में, इस साल दीपावली सभी लड़कों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप लोग जश्न मनाइए, आप लोगों की नियुक्ति हर हाल में होगी। एकाएक आते हैं और उन्होंने केस को खारिज कर देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है, वकील साहब लोग पूछते हैं, तो उन्होंने कहते हैं कि हमारे पास मजबूरी थी जिसके कारण हमने इसको खारिज किया। पूरा हम लोग हाई सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट मिलता है कि सभी को नियुक्ति कराया जाए। यहाँ कुछ लड़के का फॉर्म लेकर के जमा कर दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि नहीं केवल 65 लड़का को ही नियुक्ति कराया जाए, जबकि जजमेंट में लिखा हुआ है कि ऑल पटिशनर को नियुक्ति करा दिया जाए, सफल को इसमें सफल अभ्यर्थी उसमें सभी को नियुक्ति कराया जाए। तो हमारी कहना यह है सरकार से, हमारी सरकार से मांग यह है कि आखिर हम लोग किस जुर्म के साथ सजा भुगत रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम महानाड़ वैशाली से हैं। वैशाली से आए हैं तो ये कार्यालय से क्या आदेश आश्वासन मिला? आश्वासन कार्यालय से मिल रहा है कि 18 तारीख तक ये आदेश था फॉर्म भरने का, फॉर्म भरा चुका है। अच्छा, हाँ 65 लड़के का ही आदेश आया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सभी लड़कों को नियुक्ति करा जाए। अगर ऐसा 65 लड़के का ही है तो माननीय मुख्यालय DGP महोदय से हम लोग आग्रह करते हैं कि उन्होंने उस जजमेंट को सार्वजनिक तौर पर कर दे कि हाँ 65 लड़का का ही नियुक्ति आया है। हम लोग भूल जाएंगे कि हम लोग को 2004 में वैकेंसी भी हुई और हम लोग दौड़े भी हैं, उसमें हम लोग की नियुक्ति भी होनी है। हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, लेकिन जब हम लोग के जान से खेला जा रहा है, हम लोग के माने कि बाल बच्चा भटक रहा है, हम लोग 15 पॉइंट लिए हुए हैं, जहानाबाद जिला से आए हैं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए सभी एक हैं, पूरे बिहारवासी एक हैं, गार्जियन एक हैं, किसान बेरोजगार एक हैं, कॉलेज बाय कॉलेज हम लोग तब करेंगे, कहेंगे कि हम लोग के साथ बाबू अन्याय हो रहा है। 2003-04 का बहाली में सफल हुए, 15 पॉइंट मिला, आज तक ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं, आदेश भी नहीं मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, 15 पॉइंट मेरा है फिर भी भटक रहे हैं। कहने का है शुक्रवार को कि होगा जमा फार्म से आदेश आवेगा, टोल मटोल की यहू से डर जा, भेड़िया की तरह हम लोग के डराया जा रहा है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं और हम ही लोग बिहार के रखवाले हैं, शान और मान सम्मान सब दे रहे हैं बिहार सरकार को। अभी उनकी हम लोग मानते हैं, अभी भी हम लोग के साथ न्याय करें, अन्यथा न्याय करेंगे तो हम भी लोग भी छोड़ने वाले नाम है। हम लोग पटना से ही आए हैं और हमें भी पता चला और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, किसी तरह का कोई न्यूज़पेपर में नहीं आता है, किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता कि कब फॉर्म जमा होगा कब नहीं होगा। हम लोग करीब 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, पता चल रहा है कि अभी बता रहे हैं हमारे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश लेकर हम लोग फॉर्म लेकर सब लोग खड़ा है यहाँ पर भर करके फॉर्म और बता रहे हैं कि आज फॉर्म जमा नहीं, कोई आदेश नहीं आया है। हम लोग सुबह से ही बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ मुख्यमंत्री जी से? क्या नीतीश जी से हम कहना चाह रहे हैं, बार बार से कहना रहे हैं, अभी हम लोग उम्मीद छोड़ रखें, हम लोग अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हम लोग अच्छे मुख्यमंत्री सोच के हम लोग जितना दर्द बना रहे हैं ये कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्यों कर देंगे इनको वोट। नीतीश जी से कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम में कहते हैं कि बेरोजगारी दूर करेंगे और हम लोग जो आज हर तरह से 2004 से कंप्लीट करके आज हम लोग का डेट एक्सपायर कर गया, हम लोग क्या करें? 20 साल से किस लाए गए हम लोग? बोलते हैं कि नवयुवक देश का ऋण है, हम लोग जा रहा है।